मरियादों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद जयरामपुरा के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मैं कुछ बोलने के लिए नहीं खड़ा हूं क्योंकि मैं कल शालम वाली सभा में आपसे एक घंटे बातचीत कर चुका हूं, गुफ्तगू कर चुका हूं। मैं सिर्फ यहां इसलिए खड़ा हूं कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है, आए हुए हैं, जिनके राजनीतिक व्यक्तित्व को और उनकी पूरी शख्सियत को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहां पे मौजूद है। अशोक साहिल का एक शेर है कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 50 साल में राजनीति को शुचिता और पवित्रता और ईमानदारी के साथ जिया और आज जीरो से अपना संघर्ष शुरू करके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के हमारे बीच में बैठे हैं। मैं गुजरात में पिछले 2 हफ्ते से चुनाव प्रचार में हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यहां पे मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आपसे सिर्फ 2 बात कहकर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बैजलपुर पहुंचना है एक सभा में। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी आपको जीतती दिखेगी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। और खासतौर से दानी लिमड़ा की जो ये सीट है, पिछली बार आपने शैलेश भाई को 32,000 वोट से जिताया था, मैं चाहता हूं कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटे, ये रिकॉर्ड और आगे जाए, कम से कम 50,000 वोट से शैलेश भाई को ये चुनाव जिताइए, क्योंकि ये जो पिछले 27 साल का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जो बदहाली है इस स्टेट की, उसका जवाब मांगिए इस सरकार से। गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल, गुजरात के विकास का सच, जब हम गुजरात में घूम रहे हैं तब हमें इस मॉडल का सच समझ में आ रहा है। सच्चाई यह है कि यहां सड़कें इतनी खराब है गुजरात में कि आप यात्रा करिए तो पता चलता है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, इसका अंदाजा ही नहीं लग पाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां पे हिलाने का पुल टूट जाता है। मोरबी में 135 से ज्यादा लाशें बिछी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़ा बदल करके उद्घाटन कर रहे थे सरकारी कार्यक्रमों के। मैं चाहता हूं कि गुजरात इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़े। वो आपको गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी आपसे कह रही है कि उनसे सवाल करिए महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, उनसे सवाल करिए कि मोरबी के असली गुनहगार बाहर क्यों है, उनसे सवाल करिए कि बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है इस सूबे में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि शैलेश भाई को जिताइए, कांग्रेस को जिताइए और आने वाले दिनों में यहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं एक बार फिर से अपने आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, अशोक गहलोत साहब का स्वागत करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।